पीएम पद के मजबूत दावेदार माने जाने वाले नरेंद्र मोदी अब विश्व के देशों के लिए भी स्वीकार्य बनते नजर आ रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने मोदी और गुजरात के साथ संबंध अच्छे बनाने की इच्छा जताई है। ब्रिटिश सरकार ने गुजरात में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भेजने की भी बात कही है। 2002 के बाद मोदी विश्व के कई देशों के लिए अस्वीकार्य बने हुए थे। 2002 में अमेरिका ने भी मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब पिछले 10 साल में गुजरात में जो विकास हुआ है वो विकास विश्व की नजर में भी आ गया है। ब्रिटिश सरकार की इस पहल के बाद यूरोपियन कंट्रीज के अन्य 19 देश भी ये फैसला ले सकते हैं। राजनीतिक रूप से ये फैसले का काफी महत्व माना जाता है, साथ ही साथ आर्थिक विश्व ने भी ब्रिटिश सरकार की इस पहल को काफी सराहा है। British government has seen that and he has made a positive step. And we the Gujaratis are welcoming. हम तो अपने तो गुजराती बोलते हैं ना, आओ पधारो, भले पधारिया, अतिथि देवो भव। We always say that as Indians also. So we are very happy about it. आने वाले दिनों में गुजरात में वाइब्रेंट समिट होने वाली है, इससे गुजरात को और फायदा हो सकता है।